हेलो टू ऑल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदुस्तान ओलंपियाड 2019 का जो क्लास फोर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्लास फोर के क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा क्लास फोर का सारा क्वेश्चन हिंदुस्तान ओलंपियाड 2019 का सारा आप लोग देख पाएँ इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट के बीच, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालू या हिंदुस्तान ओलंपियाड 2021 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ओलंपियाड 2019 यानी हिंदुस्तान ओलंपियाड 2019 का क्लास फोर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्लास फोर के क्वेश्चन को पूरा शुरू से अंत तक इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए सेक्शन ए मैथमेटिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, बोल रहा है सोमवार और मंगलवार को विज्ञान संग्रहालय का दौरा करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 3452 और 5321 थी। मतलब सोमवार और मंगलवार को विज्ञान संग्रहालय यानी विज्ञान का साइंस म्यूजियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में साइंस म्यूजियम कहते हैं, ठीक है, विज्ञान संग्रहालय यानी साइंस म्यूजियम में सोमवार और मंगलवार को जो स्टूडेंट्स गए वहाँ पे गया विजिट किया, ठीक है, विजिट किया देखने के लिए उस म्यूजियम को देखने के लिए, जो मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगल को जो स्टूडेंट गया वो है, मंडे को गया, सोमवार को गया 3452 स्टूडेंट, ठीक है, और मंगलवार को 5321 स्टूडेंट गया साइंस म्यूजियम को देखने के लिए, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सोमवार की तुलना में मंगलवार को कितने अधिक लोगों ने संग्रहालय यानी म्यूजियम का दौरा किया। तो बोल रहा है कि सोमवार की तुलना मंगलवार को कितना अधिक गया। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सोमवार को 3452 है और मंगलवार को 5321 है, यानी इससे साफ पता चल रहा है कि ये बड़ा है, यानी 5000 बड़ा है 3000 से, यानी मंगलवार को ज़्यादा स्टूडेंट गया उसे देखने के लिए साइंस म्यूजियम स्टूडेंट या लोग, है ना, उसे देखने के लिए मंगलवार को ज़्यादा गया और सोमवार को कम गया। तो बोल रहा मंगलवार को कितना ज़्यादा गया सोमवार की तुलना में, यानी सोमवार से कितना ज़्यादा गया मंगलवार को। तो देखिए मंगलवार को गया था 5321, तो 5321 लिख दिए, 5321 में ये सोमवार को जितना गया था 3452 उसको घटा देंगे तो मंगलवार को कितना अधिक गया था वो निकल जाएगा। तो घटाने के बाद 1859 निकलता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1869 लोग ज़्यादा गया था मंगलवार को सोमवार की तुलना में साइंस म्यूजियम में, ठीक है, तो इस तरह घटाने से ये निकलता है, ठीक है, जो ज़्यादा उसमें कम को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि इतना में कितने सैकड़ा है, ठीक है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन, ठीक है, 4350, इसमें 4350 में कितना हंड्रेड है, कितना सैकड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका 4350 है, ठीक है, 00 का मतलब होता है हंड्रेड, ठीक है, 00 का मतलब होता है हंड्रेड, ठीक ना। तो ये क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 43500 भी बोल सकते हैं या 4350 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 4350 भी बोल सकते हैं, ठीक है, इतना भी बोल सकते हैं, 435 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 43500 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना बोल सकते हैं, 4350 बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, तो यानी 435 सैकड़ा है इसमें, है ना, तो 435 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि 42 का एक बहु है, डैट मीन्स 42 इज अ मल्टीपल ऑफ, बोल रहा है कि 42 यानी 42 इसका मल्टीपल है, तो किसका मल्टीपल है 42। तो देखिए मल्टीपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, तो 10 किसका मल्टीपल है, तो 10 हो गया मल्टीपल 2 का हो गया, है ना, यानी ये फैक्टर का मल्टीपल होता है ये, तो 2 हो गया, 2 × 5 = 10 होता है, फिर 5 हो गया, 5 × 2 = 10 होता है, ठीक है, तो ये 2 और 5 का मल्टीपल कौन हो गया, 10 हो गया। उसी तरह मान लीजिए 21 है, ठीक है,
तो 21 किसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 7 21 होता है, तो 3 और 7 है ना, 3 7 21 तो कितना होता है, ये 21 किसका मल्टीपल हो गया, 3 और 7 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह बोल रहा है कि 42 इज ए मल्टीपल ऑफ, तो 42 किसका मल्टीपल है, तो देखिए 42 किसका मल्टीपल हो जाता है, तो 6 7 42 होता है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 6 7 42 है ना, और 14 14 14 28 14, ठीक है, तो 14 3 42 होता है, यहाँ पे ये 14 भी इसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो कौन कौन मल्टीपल हो जाएगा, हो गया इसका 6 मल्टीपल हो गया, सॉरी 6 फैक्टर हो गया, 7 है 14 है, यानी 42 का इतना सारा फैक्टर है, ठीक है। और फिर 3 भी इसका है ना, 14 3 42, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया, ये सारा 42 का फैक्टर्स है, 42 का फैक्टर्स है, और ये सब का मल्टीपल कौन हो गया, 42, ठीक है, ये सब का मल्टीपल हो गया कौन हो गया, 42। इसी तरह ये 2 और 5 का मल्टीपल कौन हो गया, 10, 3 और 7 का मल्टीपल कौन हो गया, 21। इसी तरह 6 7 14 3 का मल्टीपल कौन हो गया, 42। तो इसमें यही बोल रहा 42 इज अ मल्टीपल ऑफ, 42 किसका मल्टीपल है, तो देखिए यहाँ पे 6 7 14 3 में से कौन दिया हुआ, 7 दिया हुआ है ना, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रिया ने शॉपिंग पर 35 रुपये खर्च किए, ठीक है, उसके पास बची रकम 15 थी, उसने पैसे के कितने अंश खर्च किए। देखिए बोल रहा है कि रिया जो है वो शॉपिंग करने जाती है, 35 रुपये खर्च करती है, उसके पास खर्च करने के बाद 35 रुपये खर्च करने के बाद उसके पास 15 रुपया बचता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिया ने पैसे के कितने अंश को खर्च की, ठीक है। तो देखिए 35 रुपया वो खर्च किया और उसके पास खर्च करने के बाद 15 रुपया बचता है, तो टोटल पैसा उसके पास कितना हो गया, 35 रुपया तो खर्च किया, खर्च करने के बाद उसके पास 15 रुपया बच रहा है, तो 15 रुपया जो बचा और खर्च की 35 रुपया, तो 15 और जो बचा हुआ पैसा है और जितना खर्च किए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपया है ना, 15 और 35 कितना होता है, 50, तो 50 रुपया उसके पास टोटल है, ठीक है, 50 रुपया क्या है उसके पास टोटल पैसा था, ठीक है। अब क्या है, तो अब बोल रहा है कि उसने पैसे कितने अंश को खर्च किए, तो 50 रुपये चूँकि टोटल था, तो 50 रुपये में वो 35 रुपये खर्च की है ना, 50 में 35 खर्चा की तब ना 15 बचा उसके पास, तो टोटल उसके पास 50 रुपये है, तो 50 में 35 खर्च की तो 15 रुपया उसके पास बचता है, तो ठीक है। तो टोटल पैसा को हमें लिख दिए और फिर बट्टा का साइन दिया और ऊपर में कितना खर्च की वो लिख दिए, ऊपर में कितना खर्च की 35, तो 35/50 हो गया। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 7 35 होता है, 5 2 50 होता है, तो 7/10 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इतना अंश वो क्या कि पैसा का खर्च किया, यानी 50 रुपया का 7/10 अंश वो खर्च की, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओके। यानी कि कितना वो पैसा खर्च किया और टोटल कितना पैसा है, वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 5 आवर्स 32 मिनट्स एंड 3 आवर्स 47 मिनट ईच, बोल रहा है कि 5 घंटा 32 मिनट और 3 घंटा 47 मिनट का डिफरेंस क्या है, ठीक है, यानी 5 घंटा 32 मिनट और 3 घंटा 47 मिनट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए 5 घंटा 32 मिनट लिख लीजिए और 3 घंटा 47 मिनट लिख लीजिए, दोनों को घटाना है, ठीक है, दोनों घटाने बोल रहा है, डिफरेंस मतलब घटाना, तो 7 यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे पहले ये देखिए ये 2 है ये 3 है, यानी 32 मिनट है और ये 4 और 7 है, यानी कितना है, ये 47 मिनट है, तो 32 मिनट में 47 मिनट घटेगा, नहीं घटेगा, तो इधर से हम लोग एक उधार ले लेते हैं, तो इधर से क्या उधार आएगा, तो 1 आएगा, यानी ये तो आवर है, ठीक है, इधर वाला आवर है और इधर वाला मिनट है, तो इधर जब ये देगा उधार तो 1 आवर देगा, यानी 60 मिनट देगा इधर, है ना, 1 आवर देगा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट इधर आ जाएगा, तो 60 इसमें जुड़ जाएगा 32 में, तो 32 में 60 जुटेगा तो कितना बनेगा, 92 बन जाएगा था, है ना, 92 बन जाएगा, तो ये 92 में अब 47 घटेगा, 47 घटेगा, देखिए 92 में 47 घटाते हैं तो 45 बचता है, 92 में 47 घटाते हैं तो 45 बचता है, ठीक है, तो 92 में 47 घटाएं तो 45 बच गया, और
यहाँ पर बचा, चूंकि एक इधर चला गया था, 1 आवर उधर चला गया था, तो यहाँ 4 घंटा बचा, तो 4 घंटा में 3 घटा 1 घंटा बचा, तो ये आंसर आ जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। तो देखिए 1 आवर 45 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी हम बताएं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एंगल्स डैश एंड 57 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोल रहा है कि कोण ये और 57 डिग्री पूरक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि दो कोण का योग, जब दो कोण का योग मतलब जोड़ है ना, दो कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एंगल जो है, ठीक ना, वो दोनों कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 45 ठीक है प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये दोनों एंगल को अगर जोड़ रहे हैं, ठीक है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री को, तो 90 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगा, 45 प्लस 45, तो ये क्या हो गया 45, ये 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे 57 दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, तो 90 में 57 को घटा देंगे तो 33 आता है, तो 33 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया इसका, 57 का, ये 33 जो है 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्योंकि 33 को और 57 को हम लोग जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। ठीक है ना, तब ये 90 मिलता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एक एंगल तो दिया हुआ है 57, दूसरा एंगल हम लोग को पता करना है, तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, तो 90 में 57 को माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो 33 आएगा, तो ये 33 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, तो 33 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ठीक है 3 और 7 आर फैक्टर्स ऑफ, ठीक है बोल रहा है कि 3 और 7 किसका फैक्टर है, तो 3 और 7 किसका फैक्टर है, तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल दिया हुआ है, ये सारा मल्टीपल दिया हुआ है, तो उस मल्टीपल को लिखिए, तो 14 का मल्टीपल क्या होता है, 14 का मल्टीपल यानी 14 किसे किसे डिवाइड होगा, ठीक है देखिए 14 2 से डिवाइड होता है, और 14 किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, और किससे डिवाइड होगा 14, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, और 42 किससे डिवाइड होगा, 42 किससे डिवाइड होगा, तो 42 डिवाइड होता है आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 42, ठीक है, और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 42, तो ये सारा फैक्टर्स है, ये सारा फैक्टर्स 42 का है। ठीक है, तो 42 का बोल रहा है कि 3 और 7 आर द फैक्टर्स, तो देखिए 3 और 7 है ना, ये फैक्टर किसका है, 42 का, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फिगर्स हैज द लार्जेस्ट पेरीमीटर, देखिए ये सारा जो दिया हुआ है, ये सारा रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा रेक्टेंगल का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन से फिगर का जो पेरीमीटर है वो सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, ये होता है। ठीक है, 2 × L + B यानी L + B का जो सम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए L B दिया हुआ, तो जिसका L और B का सम ज़्यादा होगा यानी लेंथ और ब्रेथ का जिसका सम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का जब हम लोग सम करते हैं तो 4 और 2 कितना होता है, 6, तो 6 × 6 ठीक है, ठीक ना, और ये 6 × 2 = 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 और 1 = 6 है ना, तो 6 को फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 और 3 को जोड़े, 4 × 3 = 7, 7 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 × 2 = 14, देखिए कौन सा पैरामीटर ज़्यादा निकला, ये 12 है, ये 16 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 वाला है ना, तो ये बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है
हंड्रेड हंड्रेड्स माइनस 64 टेंस इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए 100 100 तो 100 100 ये 100 ठीक है, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो 00 सुना आ जाएगा, यानी 100 का 100 इतना होता है, यानी कितना होता है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 100 का 100 10,000 होता है, क्योंकि 100 में 20 बैठा देंगे तो 100 का 100 हो गया, और माइनस 64 टेंस यानी 64 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा, है ना। 64 टेंस का मतलब हो गया 64 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। तो इतना में सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 में 640 को अगर माइनस करेंगे हम लोग, 640 को माइनस करेंगे तो 9,360 आएगा, है ना। तो 9,360 इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, अमित ने अपने तीन दोस्तों के बीच समान रूप से 4500 रुपया साझा किए। देखिए अमित जो है वो अपने तीन दोस्तों के बीच 4500 रुपया को बराबर बराबर में बांटता है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक मित्र को कितनी राशि मिली। तो बोल रहा है कि अगर तीनों आपस में बराबर बराबर 4500 रुपये को बांटता है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, है ना, हर दोस्त को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो साफ बात है 4500 टोटल पैसा है और तीन आदमी है, तो 4500 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। कितना से कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, तो 3 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो 15 या 45 होता है ना, और 00 उतर गया, 15 या 45 होता है ये कटेगा, तो 15 लिख दिया और 00 यहाँ से आ गया, यानी 1500 इसका आंसर हो गया, कि ऑप्शन नंबर ए में हो गया, यानी 1500 1500 1500 तीनों दोस्त को बटेगा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक पिज्जा का 5/7 भाग में रोहित को पिज्जा का 2/7 हिस्सा मिला और अनु को इसका 1/7 हिस्सा मिला, पिज्जा का कितना अंश बचा था। देखिए एक पिज्जा का 5/7 भाग में, है ना, यानी एक पिज्जा है उसका 5/7 भाग में रोहित को 2/7 हिस्सा मिला और अनु को 1/7 हिस्सा मिल गया, तो पिज्जा का कितना अंश बचता है, ठीक है। तो टोटल कितना था भाग, 5/7, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टोटल एक पिज्जा का 5/7 भाग में बंटवारा हो रहा था, 5/7 भाग लिख दिए। अब उसमें कितना बट रहा है, 2/7 भाग रोहित को मिल रहा है, 1/7 भाग अनु को मिल रहा है, तो देखिए इसमें घटा देते हैं हम लोग 2/7 और 1/7 दोनों को जोड़ देते हैं, तो इतना टोटल जो आएगा उसको घटा देंगे 5/7 में, ठीक है। तो ये 5/7 को 5/7 लिख दिए, ये माइनस का माइनस आ गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3/7 आएगा, तो 5/7 में 3/7 घटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिए, 7 और 7 का एलसीएम आ गया, 5 में 3 घट गया तो 2 बचा, ठीक है, यानी 2/7 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे लंबा कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है ये जो चारों दिया है इसमें सबसे लंबा कौन सा है, तो ये देखिए एमएम में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये एमएम में दिया हुआ है, यानी एमएम मतलब मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये 7 मिलीमीटर है, ठीक है, और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में चेंज कैसे करते हैं पता है, कि एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है एक सेंटीमीटर में, है ना, 10 मिलीमीटर होता है एक सेंटीमीटर में। तो ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 सेंटीमीटर को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ये आ जाएगा, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर को, तो ये 5 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 mm, और इसी तरह 0.8 सेंटीमीटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे mm मिलीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये 8 mm आ जाएगा, तो ये हो गया 7 mm, ये हो जाएगा 5 mm, ये हो जाएगा 8 mm, ये 6 mm, तो बड़ा कौन हुआ 8 mm, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक बॉक्स में 52 सेब होते हैं, बॉक्स में 3/4 सेब सड़ा हुआ था, कितने सेब बचे खाने लायक, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि एक बॉक्स में 52 सेब है, बॉक्स में 3/4 सेब सड़ा हुआ है,
तो 52 सेब का 3/4 यानी 3/4 यानी 3/4 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 52 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 52 4 से कटेगा तो 13 आ जाएगा यानी 13 आ जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 39 यानी 39 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, मोहित हर सुबह 4 किलोमीटर पैदल जाता था, 2 सप्ताह के बाद वो कितने किलोमीटर चला था। देखिए मोहित जो है एक दिन में 4 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है। तो एक दिन में 4 किलोमीटर पैदल चला तो 2 सप्ताह में कितना किलोमीटर वो चला, तो 2 सप्ताह में कितना दिन होता है, 14 दिन होता है। तो 14 दिन में कितना किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर एक दिन में चलता है तो 14 दिन में कितना चला, तो 4 × 14 कर देंगे, 56 आ जाता है, तो 56 किलोमीटर चला, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है कि देखिए हर बार एक नंबर को एक फंक्शन मशीन में दर्ज किया जाता है, यानी एक मशीन है जिसमें एक नंबर को हमेशा डाला जाता है, तो क्या होता है। देखिए एक अलग संख्या सामने आती है, जैसे उस नंबर को उस मशीन में डाला जाता है तो एक अलग नंबर सामने आता है, क्या आता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, यदि 6 डालता है उस मशीन में तो 2 बाहर आता है, ठीक है। तो 6 डाला तो 2 बाहर आ गया, यानी 6 को 3 से डिवाइड होकर, ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है, 2, यानी 6 3 से डिवाइड हो जाता है तो 2 बाहर आ गया। उसी तरह 12 अंदर जाता है तो 4 बाहर आ गया, यानी बाहर को 3 से डिवाइड किया जाता है तब फिर 4 बाहर आता है। उसी तरह 15 अंदर जाता है तो 5 बाहर आता है, यानी 15 भी फिर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 5 बाहर आता है। तो बोल रहा है कि मशीन में कौन सा कार्य किया जाता है, तो मशीन में कौन सा कार्य किया जाता है, 3 से गुणा किया जाता है, नहीं 4 को संख्या से घटाया जाता है, नहीं 3 से विभाजित किया जाता है। तो ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि 6 अंदर, देखिए फिर से हम समझा रहे हैं, 6 अंदर जाता है तो 2 बाहर आता है, यानी 6 को अगर 3 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितना होगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 बचा हुआ 2 बाहर आ गया। फिर 12 अंदर जाता है तो 12 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, बाहर 4 बचेगा, वही बाहर आता है। फिर 15 अंदर जाता है तो 15 भी 3 से विभाजित होता है तो कितना बचता है, 5, तो 5 ही बाहर आता है, यानी 3 से विभाजित होता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है सेक्शन बी साइंस, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश डू नॉट हैव बैकबोन्स, बोल रहा है इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है या नहीं होती है। तो अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, यानी इनवर्टीब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टीब्रेट्स में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होता, अकशेरुकी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनवर्टीब्रेट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, डैश सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड अराउंड द एनिमल बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ हार्ट वेंस एंड आर्टरीज, बोल रहा है कि इस सिस्टम में, ठीक है, इस सिस्टम में जानवरों के शरीर के चारों ओर रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। इस सिस्टम से जानवरों के शरीर में चारों ओर रक्त प्रवाहित होता है, यानी ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ब्लड जाता है एनिमल के बॉडी में इस सिस्टम से। और इस सिस्टम में क्या क्या आता है, इस सिस्टम में हार्ट, ठीक है, हृदय, वेंस यानी नस, है ना, एंड आर्टरीज धमनियाँ, ये सारा कुछ रहता है इस सिस्टम में। और इस सिस्टम से क्या होता है कि एनिमल यानी जानवरों के बॉडी में ब्लड चारों ओर जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से जानवरों के शरीर में ब्लड जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, वेंस और आर्टरी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, विच ऑफ द एनिमल कैन हियर बट डज नॉट हैव विजिबल ईयर्स, बोल रहा है कि कौन सा जानवर सुन सकते हैं लेकिन कान नहीं, उसके कान नहीं दिखते हैं। तो कौन सा जानवर सुन सकते हैं लेकिन उसके कान नहीं दिखते हैं, तो फ्रॉग होगा, ठीक है, मेढक, मेढक सुन सकता है लेकिन मेढक का कान नहीं होता, जैसे कुत्ता, कुत्ता का कान होता है, बिल्ली का भी कान होता है, जिराफ का भी कान होता है, लेकिन मेढक का कान नहीं होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और ये मेढक सुन भी सकता है लेकिन इसका कान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि डैश इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, यानी बोल रहा है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन है, यानी सबसे लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे लेयर जो वायुमंडल का, एटमोसफेयर का सबसे नीचे वाला लेयर कौन है। तो सबसे नीचे वाला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, है ना, एटमोसफेयर का सबसे निचली लेयर कौन है, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जो
डास के प्रदूषण के कारण होती है। देखिए अस्थमा जो है वो फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। तो ये किसके प्रदूषण के कारण होता है अस्थमा? वायु प्रदूषण कारण होता है, यानी एयर पॉल्यूशन के कारण अस्थमा होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग डैश के लिए है, ठीक है। यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो भगवा रंग है यानी सैफ्रॉन कलर जो है वो किसको किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, ठीक है। तो साहस इसका आंसर हो जाएगा, करेज, करेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है पोषक तत्वों से भरपूर खाद में कार्बनिक पदार्थों के क्षरण के लिए कीड़े के उपयोग की प्रक्रिया है। बोल रहा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वॉर फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर, ठीक है। बोल रहा है कि जो है खाद, नेचुरल खाद बनाने के लिए जो कीड़ों का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेचुरल खाद बनाने के लिए कीड़ों का जो प्रयोग किया जाता है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, कृमि खाद, ठीक ना, कृमि खाद कहते हैं, ठीक है, ठीक ना। तो वर्मी कंपोस्टिंग यानी कृमि खाद, ये प्रक्रिया है, कृमि खाद प्रक्रिया है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड, बोल रहा है रेत की छोटी पहाड़ियों को डैश कहा जाता है। रेत की छोटी पहाड़ियों को ड्यून्स कहा जाता है, ठीक ना। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड यानी बालू के छोटे छोटे हिल्स को, बालू के छोटे छोटे हिल्स को राजस्थान में है ना, रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? बालू के छोटे छोटे हिल्स पाए जाते हैं, बालू का छोटा छोटा पहाड़ पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ड्यून्स, जिसको हिंदी में टिब्बा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है द फर्स्ट स्टेप दैट द फार्मर परफॉर्म्स टू ग्रो क्रॉप्स इज द डैश फील्ड। बोल रहा है कि फार्मर यानी किसान जो है, ठीक ना, अनाज को उगाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप यानी पहला जो काम करता है खेतों में वो क्या करता है? तो प्लॉगिंग, प्लॉगिंग मीन्स जुताई होता है, ठीक है, प्लॉगिंग मीन्स जोतना होता है, ठीक है, यानी खेत को जोता जाता है ना, खेत को जोता जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है क्रॉप यानी कि फसल को उगाने के लिए, ठीक है, खेत में ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है वेल्स एंड हैंड पंप्स यूज टू स्टोर एंड टेक आउट द डैश। बोल रहा है कि वेल्स, कुआं और हैंड पंप है ना, कुआं और हैंड पंप का यूज किया जाता है कहाँ का पानी को टेक आउट करने के लिए, कहाँ का पानी को लेने के लिए, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर है ना, ठीक है, ग्राउंड वाटर यानी भूजल यानी भूमि के नीचे का जल का यूज किया जाता है, यानी ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है वेल एंड हैंडपम्प से पानी को बाहर लाने के लिए। क्योंकि वेल में यानी कुआं में कहाँ का पानी आता है? कुआं में धरती का ही पानी आता है ना, यानी ग्राउंड वाटर नीचे का पानी आता है, और हैंडपम्प में भी नीचे का पानी आता है, जमीन के नीचे का पानी आता है, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, यानी कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी को यानी अर्थ को सन के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो एक ईयर लगता है, 365 दिन लगता है, यानी एक साल, वन ईयर लगता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है विच पार्ट ऑफ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। बोल रहा है सीड यानी बीज का कौन सा पार्ट जो है वो प्लांट में बनता है, ठीक है, प्लांट में ग्रो होता है, ठीक है। ये बोल रहा है बीज का कौन सा भाग पौधों में बढ़ता है, ठीक है। तो बीज का कौन सा भाग पौधा बनता है? तो बीज का एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो इसको कहते हैं। ये क्या होता है? ग्रो करता है प्लांट में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा किसी वस्तु को उसकी गति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, देखिए किसी वस्तु को उसके गति से प्राप्त होने वाली, गति से प्राप्त होने वाली गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा, यानी द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट गेट्स फ्रॉम इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, मोशन से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है व्हेन द वाटर इज पॉर्ड फ्रॉम अ जग टू एन एम्प्टी पैन। बोल रहा है कि जब एक जग से, ठीक है, पानी को, ठीक ना, पानी को एक एम्प्टी पैन में डाला जाता है, ठीक ना, यानी एक खाली पैन में डाला जाता है,
तो बोल रहा व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या होता है पानी के अमाउंट में, तो पानी का अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि पेन में जब पानी जाएगा, ठीक है, जग जग का जो पानी है वो पेन खाली पेन में जाएगा तो क्या होगा, जग का पानी घट जाएगा, तो इट बिकम लेस या कम हो जाता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बोल रहा है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, बोल रहा है फूल के नर भाग को कहा जाता है, ठीक है, तो फ्लावर के मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं, ठीक है, स्टेमेन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प केसर, ठीक है, हिंदी में कहेंगे पुष्प केसर, और फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टेल, ठीक है, हिंदी में फीमेल पार्ट को पुष्प योनि कहते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश, है ना, सेक्शन सी इंग्लिश, तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, डैश ऑफ द बॉयज डिड नॉट वांट टू गो टू द जू, बोल रहा है कि ये जो बॉयज है ये जू में नहीं जाना चाहते हैं, तो कौन सा, तो सम, ठीक है, इसमें सम हो जाएगा, सम ऑफ द बॉयज डिड नॉट वांट टू गो द जू, कुछ बच्चे कुछ लड़के जू में जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा माई ब्रदर लाइक्स टू विजिट डैश कंट्रीज, तो माई ब्रदर, मेरा भाई जो है ये कंट्रीज जाना पसंद करता है, तो फॉरेन कंट्रीज जाना पसंद करता है मेरा भाई, तो फॉरेन के यहाँ पे स्पेलिंग जो दिया हुआ है, ये देखिए चार स्पेलिंग दिया हुआ है, चार में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, FOREIGN, ये फॉरेन का स्पेलिंग होता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी बात सारा गलत आंसर है, गलत स्पेलिंग, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है चूज द ऑड वन आउट, बोल रहा है इसमें जो ऑड है जो अलग है उसको चुनना है, तो देखिए लाइब्रेरी बुक्स है, तो लाइब्रेरी में बुक रहता है इसलिए सही है, लेब लैब इंस्ट्रूमेंट, तो लैब में इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, साइंस लैब में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, देखिए यहाँ पे ऑफिस स्टूडेंट, तो ऑफिस में स्टूडेंट नहीं रहता, ऑफिस में इम्प्लॉयज रहता है, तो ये इसका ये हो जाएगा गलत है, ठीक है, तो यही अलग है, इस फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये देखिए किचन यूटेंसिल्स, तो किचन में बर्तन रहता है, यूटेंसिल्स में बर्तन होता है, तो किचन में बर्तन रहता है, ये सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये अलग है, ऑफिस में स्टूडेंट नहीं रहता, एम्प्लॉयज रहता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस को चुनना है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है गलत है, क्यों है गलत, वी लूज द मैच, बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग मैच हार गए हैं, तो हार गए हैं यानी पास्ट टेंस है ना, तो लॉस्ट होगा, लूज नहीं होगा, यहाँ पे लॉस्ट होगा, तो ये गलत है, यहाँ लूज दिया हुआ, यहाँ लॉस्ट होना चाहिए, वी लॉस्ट द मैच, हम लोग मैच हार गए, है ना, लूज का मतलब होता है हारता है, तो यहाँ पे ये भर्ब वन नहीं आएगा, यहाँ भर्ब टू होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका ये गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है रश्मि ऑलवेज डैश अ लॉट ऑफ मिस्टेक व्हेन सी टीचेज मैथमेटिक्स, बोल रहा है कि रश्मि हमेशा ये करती है जब वह मैथ्स पढ़ाती है, ठीक है, ये रश्मि हमेशा ऐसा बहुत सारा मिस्टेक करती है जब वो मैथमेटिक्स पढ़ाती है, तो यहाँ पर रश्मि ऑलवेज मैथ्स होगा, क्योंकि रश्मि क्या है, यहाँ पे रश्मि फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, ठीक है, तो रश्मि क्या है, हमेशा बहुत सारा मिस्टेक करती है जब वो मैथ्स पढ़ाती है, तो यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, ठीक है, मैक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एस या ई एस नहीं है, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या है, एस या ई एस लगता है, ठीक है, और ये मेड तो ये पास्ट टेंस में हो गया, और ये मेकिंग पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो यही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बोल रहा है चूज द ओड वन, इसमें से फिर अलग को चुनना है, तो बीकर जो है वो केमिस्ट्री साइंस लैब में यूज होता है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री लैब में यूज होता है बीकर, ड्रॉपर भी केमिस्ट्री लैब में यूज होता है, ठीक है, फ्लास भी केमिस्ट्री लैब में यूज होता है, लेकिन अमीटर जो है वो फिजिक्स लैब में यूज होता है, ठीक है, तो इसलिए ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बोल रहा है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे डैश 15 अगस्त एवरी ईयर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं इस 15 अगस्त को हर साल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू होगा, ऑन होगा, इन होगा या एट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे
ऑन होगा, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन, ठीक है, ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, तो ऑन हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वर्ड। देखिए यहाँ पे कमिटमेंट का चार वर्ड दिया हुआ है स्पेलिंग के साथ, तो करेक्ट स्पेलिंग वाला जो वर्ड है उसको आपको चुनना है। तो ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है कमिटमेंट का, COMMITMENT, ये करेक्ट स्पेलिंग होता है कमिटमेंट का, बाकी बात सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा, माय फ्रेंड सजेस्टेड डैट वी डैश गो होम एज इट वाज अबाउट टू रेन। बोल रहा है कि मेरा फ्रेंड हम लोगों को सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि हम लोगों को घर जाना चाहिए क्योंकि अब इट वाज अबाउट टू रेन, ठीक है। यहाँ पे माय फ्रेंड सजेस्टेड डैट, यानी मेरा फ्रेंड सजेस्ट किया हम लोगों को कि हम लोगों को घर जाना चाहिए क्योंकि बारिश होने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे शुड हो जाएगा, चाहिए के लिए शुड होता है, तो वी शुड गो होम एज इट वाज रेन अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली थी इसलिए हम लोगों को घर जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है, तो शुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा, व्हाइल अनीता डैश डैट कैट जम्प्ड ऑन टू द कोच, ठीक है, कफ। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वाइल अनीता वाज स्लीपिंग, जब अनीता स्लीपिंग सो रही थी, देन है ना, तो वहाँ पे डैट कैट जम्प्ड ऑन टू द कफ, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 41 जो है बोल रहा, भारत में मौन मीनार कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज द टावर ऑफ साइलेंस सिचुएटेड इन इंडिया। तो टावर ऑफ साइलेंस जो है वो मुंबई में है, मालाबार हिल्स में है, तो मालाबार हिल्स कहाँ है, मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मालाबार हिल्स को ही बोलते हैं साइलेंस टावर, ठीक है, तो वो मालाबार में ही है, मालाबार हिल्स कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो वो जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल, बोल रहा है आहार नली की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो आहार नली की अनुमानित लंबाई 9 मीटर होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन थे, तो एशिया का पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला पुरस्कार मिला था, एशिया का सबसे पहला व्यक्ति यही थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, भारत में उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, हमारे ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, यानी हमारे ग्रह यानी पृथ्वी में सबसे मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो पृथ्वी में सबसे मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, 78 point something होता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 48 बोल रहा है, विच प्लानिट इज नॉन एज द रेड प्लानिट, तो मार्स यानी मंगल को, मंगल ग्रह को कहा जाता है रेड प्लानिट, क्योंकि मंगल ग्रह में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, तो मंगल ग्रह को इसलिए आयरन ऑक्साइड के चलते मंगल ग्रह लाल दिखता है, तो इसलिए मंगल ग्रह को यानी मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, डू और डाई का नारा स्लोगन किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, बोल रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई की चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 2:3, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो यही था क्लास 4 का सारा क्वेश्चन का आंसर, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और स्टूडेंट को इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए, और हिंदुस्तान ओलंपियाड 2021 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट डालूँ उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।